आज सरीपे मद साम्राज्य टंका गणति बलांगीर एसबीआई मेन ब्रांच में 25 मेसीन टंका गणुं 50 कर्मचारी नगद नोट्र पहाड़ देखि बैंक कर्मचारी भी ताजुब मोट 176 बैग्रे केते कोटी टंका रही समस्त नजर। कला टंका को नहीं तेजिला राजनीति पुणि बर्षिले केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान बीजेडी और कांग्रेस नेता बयानबाजी लाल डायरी को नहीं बढ़ुची चर्चा चढ़ाव बड़े आयकर विभाग कर जबत रही मासिकिया बटीर हिसाब नेता अफिसर को मनरे छनका छत्तीसगढ़ चलो विष्णुराज बीजेपी विधायक दल बैठक में निष्पत्ति नुआ मुख्यमंत्री हे विष्णुदेव साय आठ दिन कसरत पर सहमति बैठक में विष्णुदेव ना बाजिला मोहर तीव्र होनीष वन्यजंतु लड़े केत मणिष तो केत पशु पड़ुं बड़ी हाथी घोड़ाइवा जाता बेले कलाहांडी रे रेंजर को दलीदेला दंता गत काली नवरंगपुर भालु और मणिषर जीवन बीजेपी फोकस रे महिला भोटर स्कूटी राली करी गां गां पहुंचे महिला मोर्चा मोदी सरकार को विभिन्न योजना संपर्क में लोकों करेंगे अवगत बीजेडी कहला पड़बनी प्रभाव एनसीआरबी रिपोर्ट को नहीं मुहांमुही दुई दिन है पापी कलबल होती अधा राजधानीवासी कुआखाई पा उठाऊ पाइप फाटी जा जल जोगाण बाधाप्राप्त टैंकर पानी समुद्र को संख्ये खूब शीघ्र जल जोगाण स्वाभाविक होवानी प्रतिश्रुति देले मेयर कुनि पिला घरे छेड़ी बिल को जाते बापा माँ फेर बेलू घरे नई शिशु दिनक कूप भितर मिलला मृतदेह ढेंकानाल जिलारु आसला हृदय विदारक खबर सरुनी टंका गणति आयकर चढ़ाऊ बेले जबत टंका को गणी गणी हालिया होती बैंक अधिकारी बलांगीर गणति शेष होना आज रविवार छुट्टी दिन होते भी बैंक खोल जाता आउ गणति बेले एत टंका देखि ताजुब होती बैंक कर्मचारी आज पुणी बलांगीर स्टेट बैंक मुख्य शाखा गणति कर 25 मेसीन सहायतार गणति काले मेसीन खराब हो आउ 10 मेसीन को स्टैंड बाय रखा वर्तमान सुधा मद व्यवसायी घर 250 कोटी अधिक टंका मिलवा घटना सारा देश में चर्चार विषय हो छुट्टी दिन में बैंक खोला चलला टंका गणति आयकर विभाग चढ़ाऊ बेले जबत होता 100 कोटी टंका गणति छुट्टी दिन में भी बैंक खोला जाता छुट्टी थिले भी टंका गणति में नियोजित कर्मचारी बैंक को आसी प्राय 50 जन कर्मचारी टंका गणति में सामिल होते तेरे यही गणति में सामिल होता कर्मचारी बर्ष बर्ष धरी बैंक में काम करते भी एककालीन एत टा देखि ताजुब होती चाकरी करने भितर एत टा देखी जन जन लोक एत टा ठूल करपारती आश्चर्य प्रकाश कर बहुत तो मानते ह्यूज एमाउंट आम तो आगे देखी नु ये टाँचा बैंक में देखुल आम 20 लाख 25 लाख 50 लक्ष जाए देखीलु है रेमिटेन्स गुड़ा जो था कि बहुत एमाउंट गोटे गोटे बैग में आई दे गणी आम दौ जो गणुंट मेसीन यूज मेसीन गुड़िकर अवस्था केमती मनीषर तो आगु आमको पैसा देखे खुशी लगे आपण लगुच पैसा पैसा भाया लगुनि है पेपर मैंने काउंट कला भाया लगुच आउ मेसीन गुड़ाक 1.5 घंटा 2 घंटा थोड़े थोड़े वैक्यूम मरा मैं मेसीन जाम हो संबलपुर टीटलागढ़ सुंदरगढ़ जबत होता टंका गणति शनिवार सुधा सरी जाते भी बलांगीर जबत होता टंका गणति शेष हो ना रविवार पुणी बलांगीर स्टेट बैंक मुख्य शाखा गणति कर 25 मेसीन सहायतार गणति कर काले मेसीन खराब होती 10 मेसीन को स्टैंड बाय रखा जाता एपरिक मेसीन सजाड़ा टेक्नीशियन प्रस्तुत हो रही है एथसह जो टंका विड़ा ओदलिया होता सुखाइवाई ड्रायर व्यवहार कर रोबोटिक की जोटा आम फैन बीपीएम जोटा अच्छी हेवी ड्यूटी से गोटे ही अच्छी से स्टेशनरी से कुछ मूव कर हुए नहीं से गोटे चली बाकी छोट मेसीन 25 चली बैकअप कितने मेसीन बैकअप 10 अच्छी असुविधा कौन होते टाँचा गणती असुविधा कौन असुविधा मैंने मेन हूँ मेसीन एत आट ए टाइम एत कर तो से मेन्टेनान्स टाइम टू टाइम कराचु प्लस मेसीन रो इंजीनियर भी अच्छा आज सका भी आज जो इंजीनियर आ
ଯେଉଁଟା ନୋଟ୍ ବଣ୍ଡଲିଂ ମେସିନ୍ କରା ଅଛି ତା'ର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ପାଇଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବି ଅଛନ୍ତି। ସାହୁ ବ୍ରଦର୍ସ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ଏକାଧିକ ଠିକଣାରେ ବୁଧବାର ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା ଆୟକର ବିଭାଗ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର, ବୌଦ୍ଧ, ଟିଟିଲାଗଡ଼, ରାୟଗଡ଼ା ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ ଆୟକର ବିଭାଗର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍। ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ପୁଳାପୁଳା ଟଙ୍କା ଠାବ କରିଥିଲା ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍, ଆଉ ସେହି ସବୁ ଟଙ୍କାକୁ 176 ପ୍ୟାକେଟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଗଣତି ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ସମ୍ବଲପୁରରୁ 37,50,00,000 ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଛି। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବୌଦ୍ଧରୁ ଅଲେଖିକା ପୃଷ୍ଟି, ସମ୍ବଲପୁରରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଦ୍ୱିବେଦୀ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ଦେବାଶିଷ କବି ଓ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଜ୍ୟୋତ୍ନାରାଣୀ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ। ଆଇଟି ରେଡ୍ ବେଳେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳିବାକୁ ନେଇ ଜୋର ଧରିଛି ରାଜନୀତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରେ ବିଜେପିର ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ନେତା ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ କାହାର ନାଁ ନ ନେଇ ବର୍ଷିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାର କାହାକୁ ବି ଛାଡ଼ିବେନି, ଯେତେ ବି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଗରିବ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଟଙ୍କାକୁ ଯିଏ ଲୁଟିଛି ତାକୁ ଜେଲ୍ ପଠାଯିବ। ଜବାବ ରଖି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଉମା ସାମନ୍ତରାୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେଡି ସବୁବେଳେ ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। ଅନ୍ୟପଟେ ଉଭୟ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେପିକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ବିଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାର କାହାକୁ ବି ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ, କେଡ଼େ ବି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, କେହି ବି କେତେ ରସୁଖଦାର ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଗରିବଙ୍କ ଟଙ୍କାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଲୁଟୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍କୁ ତ ପଠା ହିଁଯିବ, କେହି ବି ହେଇଥାଉ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏଇ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ନାଁ ଆସୁଛି, କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟଙ୍କର ପରିବାରର କମ୍ପାନୀ, ନିରନ୍ତର ଭାବେ ଏଇଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ସିଏ ବ୍ୟବସାୟ କରି ଆସୁଥିଲେ, ତେଣୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ସେମାନେ ମୁହଁରେ ତୁଣ୍ଡି ନ ବାନ୍ଧିକି ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ, ଏଇଟା ଲୋକମାନଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା। ଇଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ପରସ୍ପରକୁ ଦୋଷ ଦେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସେଥିରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି ଉଭୟ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ବିଷୟରେ ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହିଆସିଛୁ ଯେ ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱ, ଉଭୟ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ତେଣୁ ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଉଛନ୍ତି କେବଳ ଲୋକଲୋଚନରେ ନିଜକୁ ନିର୍ମଳ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ, ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ବିଜେଡ଼ି ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କୌଣସି ଅନ୍ୟାୟକୁ ସେ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ବରଖାସ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି। ସେ ନିଜ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ହେଉ କି ନିଜ ଦଳର ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ହେଉ, ସେ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିନାହାନ୍ତି। ଇଏ ବିଜେପି ବାଲାଙ୍କର ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଦେଖିବେ, କ୍ଷୀର କ୍ଷୀର ଜାଗାକୁ ଯିବ, ପାଣି ପାଣି ଜାଗାକୁ ଯିବ। ମଦ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଠିକଣାରେ ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ପାହାଡ଼ ଭଳି ଟଙ୍କା ମିଳିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ। ସେହି ଟଙ୍କାର ଗଣତି ଚାଲିଛି, ତେବେ ଏହି ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଠିକଣାରୁ ମିଳିଥିବା ଲାଲ ଡାଏରୀକୁ ନେଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। କିଏ ନେଉଥିଲେ ବଟି, କିଏ ଦେଉଥିଲେ ସୁରକ୍ଷା, ରହସ୍ୟ ଖୋଲିବ ଲାଲ ଡାଏରୀ। ମଦ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଠିକଣାରେ ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ମିଳିଛି ଲାଲ ଡାଏରୀ, ଆଉ ସେହି ଲାଲ ଡାଏରୀରେ ମଦ ବ୍ୟବସାୟ ଓ କଳା ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ରହସ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଛି। କୁହାଯାଉଛି ସେହି ଡାଏରୀରେ ରହିଛି କେଉଁମାନେ ମଦ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କଠାରୁ ମାସିକିଆ ଚାନ୍ଦା ନେଉଥିଲେ, ଟଙ୍କା ନେଇ ଏହି ବେଆଇନ କାରବାରରେ ମଦ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଲାଲ ଡାଏରୀରେ ରହିଛି କାହାକୁ ଦିଆଯାଏ କେତେ ଚାନ୍ଦା, ମାସିକିଆ କେତେ, ବର୍ଷିକିଆ କେତେ। ଡାଏରୀରେ ରହିଛି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁ, ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନାଁ ବି ଥିବା ସୂଚନା, ରାଜନେତା, କର୍ମୀ ଓ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ନାଁ, ବେଆଇନ କାରବାର ପାଇଁ ନେଇଥାନ୍ତି ମାସିକିଆ ବଟି। ଆୟକର ବିଭାଗ ହାତରେ ଲାଲ ଡାଏରୀ ପଡ଼ିଯିବା ପରେ ମଦ ବ୍ୟବସାୟୀଠାରୁ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ଲାଞ୍ଚୁଆ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କଳା କାରନାମାରେ ଲିପ୍ତ ଥିବା ନେତାମାନେ ଛାନିଆ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେନି। କେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ପାଳି ପଡ଼ିଯିବ ତାକୁ ନେଇ ସେମାନେ ଭୟଭୀତ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ମଦ ଭାଟିରୁ ଏଭଳି ଲାଲ ଡାଏରୀ ଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଆମେ ଯାହାକୁ ଲାଲ ଡାଏରୀ କହୁଛୁ ମଦ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏହାକୁ କୁତା ଖାତା କହିଥାନ୍ତି। କୁତା ଖାତା କାହିଁକି ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ହିସାବ ରହିଥାଏ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ କେବଳ ଏହି ଡାଏରୀ ନୁହେଁ, ଏଥିସହ ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ଆହୁରି ଅନେକ କାଗଜପତ୍ର ଓ ଫାଇଲ ଜବତ କରିଛି ଆୟକର ବିଭାଗ। ସେଗୁଡ଼ିକର ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।
तथ्य अनुसार लाल डायरी समस्त सूचना को लेकिन तदंत करुच्ची आयकर विभाग एवं खूब शीघ्र मद व्यवसाय ठार बटी नौतुबा समस्तंकर ना सामना को आसी पारे। बलांगीर कैमरा पर्सन सुब्रत सह जोस्नारणी दास को रिपोर्ट कनक न्यूज। सरपंचरु मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ नुआ मुख्यमंत्री नहीं दीर्घ सात दिन हेला चलता सस्पेन्सर अंत घटी। राज्य में आदिवासी लोक अधिक थिबारु आदिवासी कार्ड खेली बीजेपी। विष्णुदेव साय हेबे राज्यर नुआ मुख्यमंत्री। रायपुर बसी बीजेपी विधायक दल बैठक में सर्वसम्मति क्रमे विष्णुदेव ना उपरे मोहर बाजी। नुआ मुख्यमंत्री सह राज्य में दुई जन उपमुख्यमंत्री भी रहिबे। अरुण साव और विजय शर्मा उपमुख्यमंत्री हेबे। आदिवासी चेहरा उपरे बीजेपी भरोसा। छत्तीसगढ़ नुआ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। छत्तीसगढ़ को मिली नुआ मुख्यमंत्री। राज्य बीजेपी अनुभवी नेता तथा बड़ आदिवासी चेहरा विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ नुआ मुख्यमंत्री हेबे। रायपुर बसी विधायक दल बैठक में सर्वसम्मति क्रमे यह निष्पत्ति। बैठक में पूर्वतन मुख्यमंत्री रमण सिंह विष्णुदेव ना को समर्थन करते। विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ कुनकुरी विधानसभा आसन विधायक अच्छा। विष्णुदेव 1999-2014 जाए सांसद थिले। मोदी प्रथम कार्यकाल रे केंद्रमंत्री तीन थर विधायक भाव निर्वाचित होती। 2019 विष्णुदेव को टिकेट दे नथिला बीजेपी। 2020 जून रु 2022 अगस्त राज्य बीजेपी सभापति। मुख्यमंत्री भाव बछा होगा पर आवास योजना और मोदी ग्यारंटी उपरे प्राथमिकता दिया बोली कहते विष्णुदेव साय। हम लोगों ने जो चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है मोदी की गारंटी, उसमें जो भी वादे छत्तीसगढ़ की जनता से किए हैं उसको प्राथमिकता से पूरा करना ये हमारा काम होगा। छत्तीसगढ़ रे आदिवासी का संख्या अधिक। केवल अजित जोगी को छाड़ी देले अन्य कहीं भी यही संप्रदाय मुख्यमंत्री होना। तेरे कहु कि विष्णुदेव साई के जरिए बीजेपी एवं आदिवासी कार्ड खेली भारत को एक बड़ वार्ता देव। विष्णुदेव पाखे दीर्घ 30 वर्षर राजनैतिक अनुभव रही। से संघ परिवार और रमण सिंह अति निकटतर बोली कहुए। सरल स्वभाव कारण बीजेपी बड़ नेता भल संपर्क रही। 1980 मसीह विष्णुदेव साय बीजेपी में सामिल होते। छत्तीसगढ़ राजनीति में विष्णुदेव साई का निर्मल भावमूर्ति रही। कौन अपराधिक मामला भी ना तेणु आदिवासी चेहरा सह बद नेता मुख्यमंत्री भाव बाछी बीजेपी मास्टर स्ट्रोक खेली। जो दल प्रति अवदान रही अतीतर सी जड़े मान दलर श्रृंखलित सभ्य भाव जो कार्य करमंत्री हिसाब से जो पारदर्शिता देखते गोला निर्वाचन में सी जो रायगढ़ जिलूर आसुंच से रायगढ़ जिले में सी जो भाई भाव बीजेपी को अभूतपूर्व सफलता देखते तार पुरस्कार स्वरूप आज पदर असीन कर। बहुत खुश हूँ कि आज मेरा बेटा को छत्तीसगढ़ का पूरा सेवा करने का मौका मिला, चांस मिला है। छत्तीसगढ़ रे मोट 11 लोकसभा आसन रही। 2024 साधारण निर्वाचन रे बीजेपी सपक्ष रे क्लीन स्वीप करिबार दायित्व एबे विष्णुदेव साई को कांधरे रहिबो। ब्यूरो रिपोर्ट कनक न्यूज। मध्यप्रदेश राजस्थान और छत्तीसगढ़ निर्वाचन में बीजेपी विजय पछरे महिला भोटर का समर्थन को श्रेय दिया जाउछि। यहाँ राज्य में महिला भोट उपर राज्य बीजेपी आखि पकाइछि। एथिपाई दल ब्लू प्रिंट प्रस्तुत करिछि। आगामी मासरे लक्षाधिक महिला को नहीं बीजेपी करिबो स्कूटी राली। राज्य में बीजेपी करिबो स्कूटी राली। महिला भोट उपर बीजेपी आखि। बीजेडी 70 लाख स्वयं सहायक महिला गोष्ठी भोट बैंक उपरे एबे बीजेपी आखि। 2019 निर्वाचन रे एक प्रमुख भूमिका नेथिबा महिला भोट बैंक को बीजेपी हातेबाकू ब्लू प्रिंट प्रस्तुत करछि। आगामी मासरे लक्षाधिक महिलांकु नै बीजेपी स्कूटी राली करबाकू योजना करछि। प्रति मंडल स्तर रे एही राली आयोजित करिबो बीजेपी एवं प्रति महिलांकु छुइबाकू योजना करछि राज्य बीजेपी महिला मोर्चा। एने बीजेपी महिला मोर्चार वर्धित कार्यकारिणी रे निष्पत्ति निया जायछि। स्कूटी राली रे अनेक मंडल पर्यंत महिला मानंकु छुइंकि आसु। शक्ति केन्द्र पंचायत स्तर रे आमे महिला मानंकु छुइया पे चेष्टा करूछु।
आम जिला परिषद लेवल रे भी करिछु आम तृणमूल स्तर रे महिला मानकर समस्या और महिला मानकु केमिति जाएंकी भेटी पारिबो। नारी सशक्तिकरण पाई मोदी सरकार नेथिबा एकाधिक पदक्षेप एवं योजना को महिलांक पाखरे पहुंचाइबाकु रणनीति करिछि बीजेपी महिला मोर्चा। रणनीति अनुसार एसएचजी पाउथबा टंका केन्द्र सरकार देउथबा नै लोकंकु अवगत कराइबो। एनसीआरबी रिपोर्टर सत्यता लोकंक आघरे रखिबो। महिला जन्महार कमिबा एवं महिलांक विरोध रे उतबा अन्याय नै आंदोलन करिबो बीजेपी। एहा सहित सेपटे केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान राज्य सरकार को टार्गेट करिछन्ति। देश रे महिला अत्याचार रे ओडिसा एक नंबर। महिला अत्याचार रे ओडिसा समस्तंक मुंडकु तळकु करुछि। सारा देश रे ओडिसा आज निंदित बोली कहिछन्ति केन्द्रमंत्री। सेबडे बीजेडी कहिछि महिला सशक्तिकरण रे ओडिसा अग्रणी। 70 लाख महिलांकु एसएचजी माध्यमरे सशक्त करिछन्ति राज्य सरकार। एनसीआरबी रिपोर्ट को अध्ययन करिबा भारत वर्षरे ओडिसा सरकार ओडिसा को निंदित करिछन्ति। महिला मानकर अत्याचार रे ये राज्य आम समस्तक मुंड को तलकु करुछ। एक स्थाणु अपारग दुर्नीतिग्रस्त भ्रष्टाचारी शासन व्यवस्था इटी चली। ये सरकार रो अधा डर्जन मंत्री ना केलेंकारी अभियोग अच्छे। गोटे तथ्य जोटा पब्लिक डोमेन रे अच्छी आपण आपणकर हतोत्साहित कर्मी मानक उत्साह भरवाई आप चेष्टा कर किसी अभिभाषण रखिंट आम आशा कौन करुचु आटलिस्ट से तथ्य को प्रॉपर स्टडीटे हवा दरकार। आमर कहिबा कथा जे कर्मी मानक मनरे उत्साह भरवा किसी भूल कथा नुहे किंतु अर्धसत्य को व्यवहार करी ओडिशा को अपमान करिबा ठीक कथा नुहे। राज्य में 2024 निर्वाचन में युवा एवं महिलाओं का वोट निर्णायक हो बोली राजनीतिक विशेषज्ञ माने मत रखिछन्ति। बीजेडी हाथ में स्वयं सहायक गोष्ठी रूपे एक बड़ वोट बैंक रही। बीजेपी एहाकु हातेबाकु योजना आरंभ करथिबा बळे एही वोट केउ दल को जाउछि ता उपरे समस्तक नजर रहिबो। भुवनेश्वरु कैमरा पर्सन विनय संजय ज्योति प्रकाश दास और देवाशीष सासमल का रिपोर्ट कनक न्यूज़।